नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। हिमाचल प्रदेश की इस साल की सबसे बड़ी भर्ती आ गई है और काफ़ी डिले होने के बाद, कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद लगभग एक साल का टाइम लग गया इस भर्ती को आने में, बट फाइनली अब हमें अप्लाइंग डेट पता लग गई है जो कि है 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। और जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ वो है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स इन स्कूल, यानी हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती आ गई है और टोटल 8,000 पोस्ट है, करीबन 8,000 पोस्टें भरी जाएगी। बाकी ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी जॉब है, बट आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल, आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा ही अच्छी है, जैसे बीटेक होगी, एमटेक होगी, एमबीए होगी, आप कुछ ऐसा कर रखा है, तो मैं कहूँगा आपके लिए सुटेबल जॉब नहीं है, बट अपनी अपनी नीड के ऊपर है। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि पूरी नोटिफिकेशन क्या है। इसमें आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, किस डॉक्यूमेंट के कितने नंबर हैं, फॉर्म किसको सबमिट करना है, टोटल आपकी सैलरी कितनी रहेगी, एज लिमिट क्या है इसमें, अप्लाइंग डेट, तो सारी जो आपकी क्वेरीज होगी वो मैं सारी सॉल्व कर दूंगा इसमें। बाकी चलिए आगे देखते हैं। मेन मेन जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता रखा है कि जो पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती कराई जा रही है, ये क्यों कराई जा रही है हिमाचल में। और अब मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बता रखा है। मेन मेन आपको बता देता हूँ, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑफ अ साउंड माइंड होना चाहिए, हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर, यानी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए उस विलेज का या ग्राम पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडी का जिसमें आपका स्कूल स्थित है। तो जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए उसी विलेज के या ग्राम पंचायत के जिसमें स्कूल है। बाकी ऐसा नहीं है, एडजेसेंट वाले भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पर आपकी वैकेंसीज रहेगी तो एडजेसेंट वाले भी कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन में आपको थोड़े कम नंबर लगेंगे तो उसका थोड़ा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब परमानेंट ही होनी चाहिए, साइड वाले भी कर सकते हैं एडजेसेंट में। मान लो आपके विलेज में कोई स्कूल ही नहीं है या ग्राम पंचायत में, आपकी साइड वाली ग्राम पंचायत में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े कम नंबर लगेंगे। तो वैसे तो इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो बस मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी और भी हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपकी ये पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर है, ये आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एक प्लेन पेपर में एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको सारी डिटेल्स देनी है अपनी, और आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, यानी खुद सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपने खुद साइन करना है उन जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे, फोटो कॉपीज़। तो जो भी सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। टोटल 38 नंबर्स का होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, तो 38 नंबर डिवाइडेड होंगे हर एक डॉक्यूमेंट में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और जो ये आपको प्लेन, जो आपने एप्लीकेशन लिखी है और सर्टिफिकेट लगाए, किसको देने, ये देने ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, तो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को आपको ये देने, या फिर डिप्टी डायरेक्टर को देने हैं, तो ये आपको याद रखना है, इसको देना है आपको, जो आपकी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है या फिर डिप्टी डायरेक्टर, इनको आपको देना है ये जो आप अप्लाई करने वाले प्लेन पेपर में अपना एप्लीकेशन लिख के और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के। बाकी आगे देखते हैं, आगे मेन चीज़ क्या है आगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बता रखी है, ये आपको ध्यान से सुनना है जो मैं आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसमें कितने नंबर आपको किस में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, तो टोटल 8 नंबर का होगा डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, तो ये डिपेंड करता है आपको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आप मान लो सेम वार्ड के हो, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या अर्बन लोकल बॉडी में है, तो आपको 8 नंबर लगेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सेम वार्ड ऑफ द ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी। तो अगर स्कूल है वो आपकी सेम ग्राम पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडी में, तो आपको 8 नंबर लगेंगे। और जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा आपको, वो करेगा पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी करेगा, आपकी जो कंसर्न ग्राम पंचायत का होगा वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेगा डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल का, ठीक है। आप अगर सेम वार्ड के तो आपको 8 नंबर लग जाएंगे, अगर आप अदर वार्ड के हैं जिसमें स्कूल है उसमें उसमें नहीं है, मतलब किसी अदर वार्ड के, तो आपको 6 नंबर लगेंगे। और अगर आप एडजॉइनिंग ग्राम पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडी के, तो आपको 2 नंबर लगेंगे, ठीक है, अगर सेम के तो 8 नंबर, ऐसे टोटल नंबर 8 ही रहेंगे, बट आप डिपेंड करता है, अगर आप सेम वार्ड के हैं तो आपको 8 लग जाएंगे, अगर आप अदर वार्ड के हैं तो आपको 6 लगेंगे, या एडजॉइनिंग, या उसकी आपकी ग्राम पंचायत में नहीं है स्कूल, आप दूसरी ग्राम पंचायत के हैं और उसके साथ लगती है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप सेम वार्ड के हैं या अदर वार्ड के हैं या एडजॉइनिंग के हैं। बाकी और बता देता हूँ, मेरे को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके टोटल 8 नंबर है, टोटल 8 नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, 8 ही नंबर है। अगर आप 5वीं पास है तो आपको 5 लग जाएंगे, अगर आप 8वीं पास है तो आपको 8 लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप 8वीं पास हैं तो आपको 5 भी लग जाएंगे और 8 भी लग जाएंगे, टोटल 8 ही नंबर रहेंगे। बाकी डिपेंड करता है, अगर 5वीं पास है तो आपको 5 नंबर दे देंगे, 8वीं पास है तो आपको 8 नंबर दे देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका
वेरियस कैटेगरी में एलोकेट कर रखे नंबर, जैसे कि पहली आपकी कैटेगरी क्या दे रखी है, अगर आप विडो है तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ऑर्फन है अगर आपके पेरेंट्स अब नहीं हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ तो आपको कोई डिसेबिलिटी है मान लो तो आपको 8 नंबर लग जाएंगे, बाकी जो डिसेबिलिटीज़ होगी वो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखी होगी, बाकी डिपेंड करता है, तो इन सब चीज़ों के आपको 8 नंबर लग जाएंगे। मान लो अगर आप पर्सन लिविंग इन एक्सट्रीम इंडिजेंट कंडीशन, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं तो आपको 5 नंबर लग जाएंगे। वुमेन डेजर्टेड बाय हस्बैंड, तो अगर किसी वुमेन को उसके पति ने छोड़ दिया तो उसको 3 नंबर लगेंगे। तो जिस कैटेगरी में आप आओगे उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी उसमें बताया था जो पंचायत सेक्रेटरी है वो ये जो आपके सर्टिफिकेट होंगे इशू करेगा, ठीक है, तो आपको उससे इशू करवाने पंचायत सेक्रेटरी के पास जाकर। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर कैंडिडेट्स हुज फैमिली हैव डोनेटेड लैंड फॉर स्कूल, तो जिन फैमिलीज ने डोनेट कर रखा है स्कूल बनाने के लैंड, ऐसा नहीं पूरा ही लैंड दे दिया होगा, मतलब थोड़ा भी लैंड दे रखा होगा, तो उसको 8 नंबर लग जाएंगे। फिर एक कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी बीपीएल, तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी बीपीएल इनको बिलोंग करते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर लास्ट है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनएम्प्लॉयड फैमिली, अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो भी आपको 3 नंबर लग जाएंगे। तो टोटल जो आपका ये 38 नंबर पे डिवाइडेड है डॉक्यूमेंटेशन, तो 38 नंबर में से आपको जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट होंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो मेन है आपको पता होना चाहिए नंबर कितने। बाकी जो आपकी ये नोटिफिकेशन है ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको एचपी एग्जाम फिर लिखना है टेलीग्राम चैनल पे और हमारा चैनल वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप देख लेना एक बार कौन कौन से नंबर आपको किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी हम आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में आगे हमें क्या दे रखा है। आगे जॉब प्रोफाइल बता रखी है, जो आपकी एमटीएस की काम होगा वो बता रखा है आपको, जैसे स्कूल आपका ओपन होगा और क्लोजिंग तक का ही आपका टाइम होगा, जैसे मान लो स्कूल 9 बजे खुलता है और 3 बजे बंद होता है तो आपकी जो वर्किंग हॉर्स होंगे वो 6 घंटे होंगे 9 से 3 तक। और क्या बता रखा है, और आपको स्कूल में काम क्या करना पड़ेगा वो भी बता रखा है कि क्लीननेस वर्क करना पड़ेगा, मेंटेनेंस जो क्लीननेस आपकी सफाई व्यवस्था होगी स्कूल में वो संभालनी पड़ेगी, हाइजेनिक कंडीशंस होगी वो देखनी पड़ेगी, बाकी जो स्कूल की डाक होगी उसको आपको वेरियस ऑफिसेज में देना पड़ेगा, कि अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल है, फिर एनी अदर रिलेटेड वर्क है जो भी आपको असाइन करेंगे वो काम आपको करना पड़ेगा, सिंपली ये बता रखा है। तो स्कूल में आपको यही काम होगा। बाकी आगे देखते आगे क्या बता रखा है हमें, आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ सैलरी के बारे में बता रखा है, सैलरी कितनी है, सैलरी मिलेगी आपको 5,625 पर मंथ, तो महीने की आपको 5,625 रुपये मिलेंगे इसमें। बाकी एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट है 18 से 45 साल, तो 18 से 45 साल में अगर आप आ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसमें और छुट्टी का बता रखा है कि महीने की आपको 1 छुट्टी मिलेगी, बाकी जो स्कूल में छुट्टियाँ रहती है जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ सर्दियों की छुट्टियाँ वो भी मिलेगी, संडे की छुट्टियाँ वो सारी छुट्टियाँ आपकी होगी, बाकी जो आप खुद से ले सकते हैं छुट्टी वो आपको 1 महीने में 1 ही छुट्टी मिलेगी, ये कैजुअल लीव मिलेगी, और टोटल साल में 10 से ज़्यादा छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं, बाकी अगर आप लेते हो तो आप विदाउट पेमेंट हो जाओगे, तो ऐसी कुछ कंडीशंस रहती है। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अप्लाइंग डेट, अप्लाइंग डेट क्या है, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो आप, 13 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 27 अप्रैल, ठीक है 27 अप्रैल, तो 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पंचायत सेक्रेटरी से बनवाने हैं, और देने किसको हैं, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने बोला जॉब इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, बाकी आपकी नीड के ऊपर, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बाकी ऐसे आपको तैयारी करने का टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि 9 से 3 स्कूल होगा, 6 घंटे का ही काम होता है, तो बाकी टाइम आप फ्री होंगे, और ऐसा भी है कि आपके अपने एरिया में स्कूल होगा तो ऐसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जाने में, और आप अपनी खुद की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है आप अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी इसकी एक स्कूल लिस्ट भी है, अगर आपको स्कूल लिस्ट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एचपी एग्जाम फेयर, उसमें आपको सारे स्कूल बता रखे होंगे कि कौन कौन से स्कूल्स में वैकेंसीज हैं, तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे एचपी एग्जाम फेयर सर्च करना है, वहाँ पर मैंने स्कूल लिस्ट डाल दी है, ये नोटिफिकेशन डाल दी है, इसको रीड कर लेना, स्कूल लिस्ट को देख लेना, बाकी प्रोसेस मैंने आपको पूरी बता दी है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आऊँगा जिससे मैं एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्द है, थैंक यू।